में सिलपरा से बेला तक 200 करोड़ रुपए की लागत से नया रिंग रोड बनकर तैयार हो रहा है। इस रिंग रोड में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है और लगातार जो है ये कवायद की जा रही है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कर इस रिंग रोड को तैयार किया जाए। इसके लिए अधिकारी लगातार रिंग रोड में निरीक्षण कर रहे हैं। रीवा कलेक्टर ने भी निरीक्षण कर रिंग रोड को समय सीमा के अंदर पूरा करने और आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। ये माना जा रहा है कि वर्ष 2024 के आते आते रिंग रोड बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। रीवा के आसपास के जिलों को भी इससे काफी फायदा होगा। एक तरह से शहर को कई बाईपास मिल जाएगा। इलाहाबाद और बनारस से आने वाले लोग शहर में आए बिना सीधे बेला तक पहुंच सकेंगे और इसके अलावा शहडोल और सीधी मार्ग के लोगों को भी काफी सुविधाएं इस रिंग रोड से होने वाली है। रीवा रिंग रोड को लेकर के की गई है। बेसिकली उद्देश्य है कि रीवा रिंग रोड का काम जो चल रहा है वो लगातार तेजी से चले और इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं या जो हम लोगों को पूरा रोड कंस्ट्रक्ट करना है वो टाइमली हो जाए। इसमें देखा गया कि दो तीन जगह काम लगातार चल रहा है। दो तीन जगह हमारे लैंड एक्विजिशन में जो लैंड एक्विजिशन हो चुका है उनमें अभी भी जो जमीन में प्रवेश को लेकर के वेंडर को कुछ इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट किए गए हैं। साथ ही जो एक रेलवे ओवरब्रिज बनना है उसकी कुछ परमिशंस आनी है, उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे ताकि ये काम और तेजी से हो जाए। अभी बरसात में भी काम लगातार चल रहा है और इस प्रोजेक्ट में रोड के अलावा लगभग 13 किलोमीटर की ये जो रोड है अपनी, इसमें अपने एक रेलवे ओवर ब्रिज, दो मेजर ब्रिज और बाकी माइनर ब्रिज और कलवर्ट्स आ रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि प्रोजेक्ट जल्दी चालू हो ताकि ये ट्रैफिक को प्रॉपरली चैनलाइज किया जा सके।